बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश ही नहीं देश भर में भयावह स्थिति बनी हुई है। इसका उपाय मास्क का उपयोग करना और बिना वजह भीड़ ना लगाएं। इस समय सभी को अनुशासन में रहना है, सबको मिलकर इस महामारी का निदान करना है। सारंग ने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर भोपाल में 1200 बेड बढ़ाने की तैयारी भी चल रही है। मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में हम देख रहे हैं भयावह स्थिति बन रही है। इसका उपाय यही है कि हम सब आचार संहिता का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, बिना किसी वजह के भीड़ इकट्ठी ना करें। ये एक ऐसा समय है जिसमें हम सबको अनुशासन तो बनाना ही है। कोविड बीमारी नहीं है बल्कि महामारी है, और महामारी का मतलब ही यह होता है कि सभी कुछ अस्त व्यस्त होना। निश्चित रूप से बड़ा संकट है, हम सब मिलकर इस संकट का निदान करें, यही हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। 1200 बिस्तर भोपाल में और बढ़ सकें इसकी हम कोशिश में लगे हैं, क्योंकि संक्रमण आज की तारीख में तो हमारे पास बिस्तर हैं, पर जिस प्रकार से ये संकट बढ़ रहा है, जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है, तो आगे की प्लानिंग के हिसाब से ये हमने पूरी तरह से सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि भोपाल में और 1200 बिस्तर हम बढ़ा सकें। इधर विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सारंग ने कहा कि अगर दिग्विजय सिंह ट्वीट करने की बजाय शिकायत करते तो अच्छा होता। दरअसल दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर ऑक्सीजन की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। पहले से कहते आए हैं किसी भी तरह की कालाबाजारी को सहन नहीं किया जाएगा। केवल ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं, बाकी किसी भी वस्तु की कालाबाजारी होगी तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। अब दिग्विजय सिंह जी केवल ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री ना करें, वो इसकी प्रॉपर यदि रिपोर्ट करते हैं, जानकारी देते हैं, तो